हाँ गाइस, कैसे हो आप सब लोग। तो आज की हम लोगों की जो वोकैब है वो है 19 अक्टूबर की। फर्स्ट वोकैब है प्रोफेस। प्रोफेस का मतलब क्या होता है, चलिए देखते हैं। देखो प्रोफेस का मतलब क्या होता है, प्रोफेस का मतलब होता है खुलेआम स्वीकार करना। क्या होता है प्रोफेस, मतलब खुलेआम स्वीकार करना। कोई भी अपन ने गलती वगैरह कर दी तो उसे खुलेआम स्वीकार करना प्रोफेस होता है, ठीक है। फ्रॉड, फ्रॉड का मतलब क्या होता है, भरा हुआ, मतलब कोई व्यक्ति किसी गुस्से से भरा हुआ है, ठीक है, तो उसे हम क्या कहेंगे, किसी मतलब कोई भी काम, लाइक कोई भी काम है तो वो रिस्क से भरा हुआ है, ठीक है, तो उसे हम कहेंगे फ्रॉड। फ्रॉड यानी क्या हुआ, भरा हुआ है, ठीक है। सेमिनल, सेमिनल मतलब क्या होता है, मौलिक होता है। क्या होता है, मौलिक होता है, यानी कि इंपॉर्टेंट होता है। सेमिनल मतलब क्या होता है, इंपॉर्टेंट होता है। अगला वर्ड आता है हमारा टी नेट्स। टी नेट्स क्या होता है, टी नेट्स होते हैं देखो प्रिंसिपल्स। हर बंदे का अपने अपने प्रिंसिपल्स होते हैं, अपने अपने बिलीव्स होते हैं, उसको क्या कहते हैं, सिद्धांत, ठीक है। परपेट्रेटर्स, परपेट्रेटर्स का मतलब क्या होता है, अपराधी। परपेट्रेटर्स का मतलब क्या होता है, अपराधी। परपेट्रेटर्स मतलब अपराधी। रेत, रेत मतलब क्या होता है, क्रोध, एक्सट्रीम एंगर, बहुत ज़्यादा गुस्सा, तो उसको क्या कहेंगे, रेत मतलब क्रोध हो जाएगा, ठीक है। डिस्प्यूटेड मतलब विवादित, यानी भारत पाकिस्तान की जो सीमा है वो विवादित है, उसको क्या कहेंगे हम, डिस्प्यूटेड। रन इन्स, रन इन्स का मतलब क्या होता है, झगड़ा। क्या होता है, झगड़ा, क्वारल मतलब भी झगड़ा होता है, ठीक है, तो रन इन्स मतलब क्या हो जाएगा, झगड़ा, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड क्या हो जाएगा हमारा, डिसबैंडेड। डिसबैंडेड मतलब किसी चीज़ को ब्रेक कर देना, ब्रेक कर देना मतलब किसी चीज़ को तोड़ देना, क्या होता है, डिसबैंडेड, ठीक है। प्रोमिनेंस, प्रोमिनेंस मतलब द स्टेट ऑफ बींग ईजली सीन और वेल नोन। क्या होता है, वेल नोन मतलब कोई चीज़ है जिसे हम अच्छी तरीके से जानते हैं, ईजली जानते हैं, तो उसे हम क्या कहेंगे, प्रोमिनेंस कहते हैं। एट्रोसिटी मतलब क्या हो जाएगा, देखो एट्रोसिटी मतलब क्रूर, बहुत ज़्यादा क्रूरता। एट्रोसिटी मतलब क्या हो जाएगा, क्रूरता, ठीक है। अब देखो कुछ फ्रेजल वर्ब्स से हम लोग इनकी मीनिंग देखते हैं। ग्रेपल विथ, ग्रेपल विथ का मतलब ऐसा होता है कोई भी चीज़ है, ठीक है, कोई भी सेंटेंस वगैरह वो आपको समझ, मतलब डिफिकल्ट है, आपको समझ में नहीं आ रहा, पढ़ रहे हो पर आपको समझ में नहीं आ रहा, उसको कहेंगे हम ग्रेपल विथ, ठीक है। ब्रोकआउट, ब्रोकआउट का मतलब कोई चीज़ ऐसी सडनली टूट गई और वो क्या हो गई, फेल गई। जो चीज़ सडनली फेल जाती है उसे हम कहते हैं ब्रोकआउट, ठीक है। ब्राउट डाउन, ब्राउट डाउन का मतलब क्या होता है, आपके पास जो पावर थी, आपके पास जो पावर थी वो किसी भी व्यक्ति ने छीन ली, ठीक है, तो उसको क्या कहते हैं हम, उसको कहते हैं हम ब्राउट डाउन, ठीक है। स्वर्ण, स्वर्ण मतलब क्या होता है, स्वर्ण, स्वर्ण मतलब क्या होता है, कोई इंपॉर्टेंट चीज़, कोई इंपॉर्टेंट आपके पास थी वो किसी ने आपसे ले लिया, फिर आपसे दूर चली गई, उसको क्या कहेंगे हम, स्वर्ण ऑफ कहते हैं। इन द वेक ऑफ, इन द वेक का मतलब क्या होता है, कोई इवेंट हुआ उसके बाद कुछ हैपनिंग हो गई, ठीक है, कुछ इवेंट हुआ उसके बाद कुछ हैपन हुआ, तो उसको कहेंगे इन द वेक ऑफ कहते हैं, ठीक है। आई होप आप लोगों को आज की वोकैबुलरी समझ में आई होगी।